Hello students, I am Karmbir Yadav, physics faculty. Students, previous lecture mein humne discuss kiya tha units and measurements. Now today we discuss about system of units, yani ki next part of units and measurement. Bache hume system of unit ka requirement kyon hua? Jaisa ki humne previous lecture mein padha tha, humne padha tha physical quantity. Physical quantity ke do type the, ek tha fundamental physical quantity, second one tha apna derived physical quantity. Pretty fundamental physical quantity में हमने आपको three quantity बेस बताए थे, mass, length and time. Mass, length, time को ही measure करने के लिए हमने एक complete set of system of unit हमने बनाया, ठीक है? So अब हम उसी के बारे में बात करते हैं. So write down heading आप बनाएंगे system of unit. System of unit. तो सबसे पहले हम सिस्टम ऑफ यूनिट के स्टेटमेंट पर से समझते हैं, डेफिनेशंस की हम करते हैं. हम कह सकते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट जो है ना वो अपना एक कंप्लीट सेट है, एक कंप्लीट सेट ऑफ ऑल फंडामेंटल फंडामेंटल एंड डेराइव्ड units, fundamental and derived units for all kind of physical quantity is called system of units. Units, right? So बच्चे हम ये कह सकते हैं जो system of unit है ना वो अपना एक complete set है. किसका complete set? Fundamental और derived units का for all kind of physical quantity. अब हमें अच्छे से clear है, आपने जितने भी quantity आप पढ़ने वाले हैं ना, जितने भी unit आपके बनेंगे वो सभी किसमें से निकलेंगे? Fundamental में से. और निकलने वाले अपने क्या कहलाएंगे? Derived. ठीक है, अपना बेस क्या है? Fundamental अपना बेस. बेस मीन्स अपने पास हो जाएगा मास, लेंथ एंड टाइम. ठीक है, और उन फंडामेंटल से जो आप कैलकुलेट कंसीडर आप करेंगे ना वो सारे अपने कौन से होंगे? डेराइव्ड यूनिट्स, राइट. ये अपना हो गया स्टेटमेंट. अब हम बात करते हैं जो अपना सिस्टम ऑफ यूनिट है उसके टाइप क्या क्या है. सिस्टम ऑफ यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट्स. देखो बच्चे, सिस्टम ऑफ यूनिट की अगर हम बात करें तो अपने पास अलग अलग लोगों ने इसके लिए अलग अलग मेथड्स यूज किए, अलग अलग मेजरमेंट इनका दिया. आपने तो बेसिक वर्क है वो अपना है मास का मेजरमेंट, लेंथ का मेजरमेंट और टाइम का. हमें इन तीनों को मेजर करना है, मास को, लेंथ को, टाइम को. इन सभी को मेजर करने के लिए हमने सिस्टम ऑफ यूनिट डेवलप किया. क्लियर? सो सबसे पहले जो अपने पास बना वो अपना बना FPS. क्लियर? सेकेंड वन अपना बना CGS. फिर हमने इसको भी मॉडिफाई किया, फिर अपने पास बना MKS, राइट. और फिर इसको भी हमने, इसका जो मॉडिफाइड फॉर्म अपने पास बना वो अपने पास बना SI. क्लियर बच्चे? अब देखो इन तीनों में डिफरेंस क्या है, क्यों बनाने पड़े हमें. सबसे पहले हमने बनाया FPS, हमें मेजरमेंट करना है मास, लेंथ और टाइम का. यहां पे FPS जो था ना वो एक ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम ऑफ यूनिट है. FPS का सेकेंड नेम क्या है? ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम ऑफ यूनिट. बच्चे उसी तरीके से CGS का जो सेकेंड नेम है आप ये कह सकते हैं CGS का जो सेकेंड नेम होगा वो होगा गॉसियन, गॉसियन सिस्टम ऑफ यूनिट. ठीक है, ग्रीक के लोगों ने जो बनाया वो हो गया गॉसियन. MKS is a metric system of unit है. ठीक है, और MKS को थोड़ा हमने मॉडिफाई बना तो अपना बन गया SI. SI means international system of unit. ठीक है, अब देख बेटो FPS British Engineering System of Unit है, CGS Gaussian System of Unit है, MKS और SI अपना metric system of unit है.
अब FPS आपको मेजरमेंट करना है मास का, लेंथ का, टाइम का. मास के लिए हमने यूज किया पाउंड, लेंथ के लिए हमने यूज किया यहाँ पे लेंथ के लिए फीट और टाइम के लिए सेकंड. उसी तरीके से गॉसियन लोगों ने मास के लिए यूज किया ग्राम, लेंथ के लिए यूज किया सेंटीमीटर और टाइम के लिए यूज किया सेकंड. मेट्रिक सिस्टम में मास के लिए हमने यूज किया किलोग्राम, लेंथ के लिए हमने यूज किया मीटर और टाइम के लिए हमने यूज किया सेकंड. अब बच्चे एफपीएस भी बनाया, सीजीएस भी बनाया, एमपीएस भी बनाया, फिर एसआई भी बनाया. मॉडिफाई हमने उसको किया, क्यों किया बेटे? जब हमने अपना मास, लेंथ और टाइम का मेजरमेंट हमने एफपीएस सिस्टम से किया तो वो कुछ इनकन्वीनियंट रहा, उसमें कुछ ड्रॉबैक्स आए, ठीक है, जिसकी वजह से हमने इसको डिनाई किया, इसका यूज हमने नहीं किया, कुछ डिसएडवांटेज हो गए. सिमिलर सीजीएस के भी कुछ डिसएडवांटेज निकले, ठीक है, यानी ये मेथड भी अपना सुटेबल नहीं निकला, तो भी हम इसको ऐसे स्टैंडर्ड पे यूज नहीं कर पाए. बट सीजीएस स्टैंडर्ड अब भी हमारे पास यूज होता है, बट इसका अपने पास कोई भी यूज नहीं है, ठीक है. सीजीएस को मॉडिफाई करने के बाद अपने पास बन गया एमकेएस. एमकेएस इज द मैट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट, और ये अपने पास इसका मॉडिफाइड फॉर्म अपने पास कौन सा है? एसआई. अब बेटे सोचने वाली बात यह है कि ये जो सिस्टम ऑफ यूनिट आपने बनाए, जो हमारे पास बने एफपीएस, सीजीएस, एमकेएस और एसआई, ये बनाता कौन है, ठीक है? इन सभी को बनाने के लिए अपने पास एक स्टैंडर्ड फॉर्मेशन है, वो अपना ये है. इन सभी को डिसाइड करता है GCWM, ठीक है बेटे. GCWM डेवलप हुआ था 1971 में, एस्टैब्लिश हुआ 1971 में, और GCWM स्टैंड्स फॉर जनरल कॉन्फिडेंस, जनरल कॉन्फिडेंस ऑन वेट एंड मेजर. जनरल कॉन्फिडेंस ऑन वेट एंड मेजर, ठीक है. जनरल कॉन्फिडेंस ऑन वेट एंड मेजर 1971 ये डिसाइड करता है कि सिस्टम ऑफ यूनिट आपका कौन सा प्रोटेक्ट है. और ये जो अपने पास ये जो संस्था है, ये फाइनल करता है कि कौन सा मेजरमेंट आपके लिए सही होगा, ठीक है. तो इस संस्था ने 1971 में एमके सिस्टम को स्टैंडर्ड फॉर्म दिया था, ठीक है. तो आज दिन आप जो भी डाटा यूज करते हैं आपके पास एमकेएस और एसआई सिस्टम में ही होते हैं, ठीक है. जैसे आप कह सकते हैं फोर्स का एसआई यूनिट, एसआई यूज करते हैं आप या तो आप एसआई यूनिट बात करते हैं या सीजीएस. एफपीएस की तो आप बात ही नहीं करते हैं, ठीक है. तो सबसे तो मेन है वो अपना क्या है, एसआई, और उसके बाद किससे यूज करोगे आप, सीजीएस का. एफपीएस का आपके पास कोई रोल नहीं होगा, ठीक है. ये थ्री सिस्टम ऑफ यूनिट है. अब इनको हम वन बाय वन डीपली पढ़ते हैं. आपका बेसिक जो पर्पज है वो है मास, लेंथ और टाइम, जो कि फंडामेंटल यूनिट्स है, उनको सॉल्व करना. क्लियर स्टूडेंट्स? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट अपने पास होगा एफपीएस. एफपीएस क्लियर? एफपीएस इट इज ए ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम ऑफ यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है, ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम ऑफ यूनिट. अब बेटे यहां पे देखो एफपीएस में, एफपीएस में एफ स्टैंड फॉर फीट, पी स्टैंड फॉर पाउंड एंड एस स्टैंड फॉर सेकेंड, ठीक है. अब आप मेजरमेंट किसके करना चाहते हैं, मास का, लेंथ का और भाई किसके करना चाहते हैं, टाइम का, यानी कि एमएलटी हम इसको ट्राई करते हैं, हम इसका मेजरमेंट करना चाहते हैं. तो बच्चे मास को मेजरमेंट करने के लिए आप किसका यूज करेंगे, पाउंड का, लेंथ के लिए फीट का, टाइम के लिए सेकंड का. तो सिंपली वे में आप ये कह सकते हैं एफपीएस इट इज ए ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम ऑफ यूनिट विच इज यूज फीट एज यूनिट ऑफ लेंथ, पाउंड एज यूनिट ऑफ मास एंड सेकंड एज यूनिट ऑफ. आपको बेसिक पर्पज
सकते हैं, लेंथ मास टाइम आपने कंसीडर यहां से किया, सिंपल है बिल्कुल, बस यही आपको स्टेटमेंट यहां पे देना है, क्लियर। नाउ सेकंड वी टॉक अबाउट सीजीएस, ठीक है, देखो बेटे सीजीएस एक ए गॉसियन, गॉसियन मींस ग्रीक, ग्रीक के लोग होते गॉसियन सिस्टम ऑफ इंडिया, गॉसियन सिस्टम ऑफ यूनिट विच इज योर, विच इज यूज, अब देखो बच्चे सीजीएस, सी जी एस, सी मीन्स सेंटीमीटर, तो बच्चे सेंटीमीटर में आप इसका मेजरमेंट करेंगे लेंथ का, सेंटीमीटर एज यूनिट ऑफ लेंथ, क्लियर। उसके बाद जी, जी मीन्स ग्राम, ग्राम एज यूनिट ऑफ मास, उसके बाद एस, एस स्टैंड्स फॉर सेकेंड, सेकेंड एज यूनिट ऑफ टाइम, ठीक है बच्चे, ये अपना सेकेंड सिस्टम हो गया भाई सीजीएस, सी मीन्स सेंटीमीटर, जी मीन्स ग्राम, एस मीन्स सेकेंड, ठीक है। सो सेंटीमीटर लेंथ का मेजरमेंट, ग्राम मास, और सेकेंड इसको मेजर करेगा टाइम को, क्लियर। अब नंबर थ्री अपने पास बना एमकेएस, एमकेएस, एमकेएस जो है वो एक मैट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट है, इट इज ए मैट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट, जो मैट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट है जो यूज करेगा, विच इज योर, विच इज यूज, अब देखो बच्चे एम के एंड एस, एम मीन्स नॉट मास, एम मीन्स मीटर, मीटर एज यूनिट ऑफ लेंथ, आफ्टर दैट के किलोग्राम, किलोग्राम एज यूनिट ऑफ मास, आफ्टर दैट एस सेकेंड, सेकेंड एज यूनिट ऑफ टाइम, ठीक है। अब देखो अपने पास थ्री सिस्टम है, एफपीएस, सीजीएस, एमकेएस, आपको मेजरमेंट करना है मास को, लेंथ को और टाइम को, क्लियर। तो ये सिस्टम आपके पास बनेगा, आपको रटना नहीं बच्चे, बस सिंपली इसकी मीनिंग याद रखना, एफ फीट पाउंड सेकेंड। अब आपको देखना है मेजरमेंट मास लेंथ टाइम करना है, तो उसका अकॉर्डिंग ये लोग फीट किसको मेजर कर सकता है, ओनली लेंथ को, पाउंड मास को, सेकेंड टाइम को, और सेकेंड तीनों ही सिस्टम में क्या है कॉमन, क्लियर। स्टूडेंट्स नाउ वी टॉक अबाउट मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एमकेएस इज एस आई, एस आई, एस आई स्टैंड्स फॉर, एस आई स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इट वॉज डिजाइन बाय, इट वॉज डिजाइन बाय जी सी डब्ल्यू एम इन 1971, ठीक है बेटे। जी सी डब्ल्यू एम क्या है, जी सी डब्ल्यू एम आपको पहले भी हम बता चुके हैं, GCWM stands for General Conference, General Conference on Weight and Measure,
जर्नल कॉन्फिडेंस ऑन वेट एंड मेजर, ठीक है, ये GCWM जो कि किसी भी फ्लूइड को स्टैंडर्ड प्रोवाइड कराता है, उसको डिजाइन करता है, ठीक है। अब आपके पास जो भी डाटा होते हैं बच्चे, वो MKS का स्टैंडर्ड फॉर्म, इनके मॉडिफाइड फॉर्म ऐसा ही आपके पास आप यूज करते हैं, ठीक है। अब बेटे ऐसा ही सिस्टम ऑफ फ्लूइड में अब हम बात करते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। देखिए ऑल ओवर वर्ल्ड अपने पास 7 बेसिक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हैं, और इन 7 में से भी 3 अपने पास मोस्ट इंपोर्टेंट है, और वो 3 अपने पास कौन से हैं, मास, लेंथ एंड टाइम, ठीक है। तो हम एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं यहां पे। बेटे देखो यहां पे सीरियल नंबर, यहां पे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, यहां पे उनके एस आई यूनिट और यहां पे उनके सिंबल, ठीक है। अच्छे से इसको ऑब्जर्व करना है आपको। देखो ऑल ओवर वर्ल्ड वी हैव 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, क्लियर, ये हमेशा आपको माइंड में रखना है। उसके बाद बेटे 1971 में जर्नल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर ने 2 फिजिकल क्वांटिटी और ऐड किए, जिनको हमने नाम दिया सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सो टोटल अपने पास मिला के कितने हो गए, 9, क्लियर। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। फर्स्ट में हम बात करते हैं मास। बेटे मास का एस आई यूनिट क्या होता है, किलोग्राम, ठीक है। सिंबल इसका क्या होगा, केजी, क्लियर। उसके बाद लेंथ को किसमें मेजर करते हैं आप, हमेशा मीटर, क्योंकि आप एस आई और एमकेएस फॉर्म की बात कर रहे हैं, ठीक है। लेंथ मीटर, और मीटर का सिंबल क्या होगा, स्मॉल एन, क्लियर। उसके बाद टाइम का एस आई क्या होगा, सेकेंड का एस ए सी। उसके बाद टेम्परेचर का बेटे किस रीजन क्या था, कैल्विन, सिंबल क्या होगा, के होगा, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, ठीक है, सिंबल होगा कैपिटल है। अब देखो बेटे एक बात ध्यान रखनी है, इंग्लिश आपको ये कहता है कि जब आप कोई भी वर्ड राइट करते हैं तो उसका फर्स्ट लेटर हमेशा क्या होना चाहिए, कैपिटल। बट बेटे फिजिक्स आपको हमेशा ये कहता है जब कोई भी यूनिट किसी साइंटिस्ट के नाम से स्टार्ट होना तो उसका फर्स्ट लेटर हमेशा स्मॉल होगा और सिंबल हमेशा कैपिटल होगा, ये माइंड में रखना है। यहाँ पे इंग्लिश के रूल वैलिड नहीं है, ठीक है, यहाँ पे फिजिक्स के अपने रूल है, ये माइंड में रखना है आपको हमेशा। अगर आप यहाँ पे कैपिटल ही वर्ड यूज करेंगे तो आपको रॉन्ग माना जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट हो गया, आफ्टर दैट लुमिनस, इंटेंसिटी। बच्चे लुमिनस इंटेंसिटी होता है कैंडला, सिंबल इसका होता है CD, ठीक है। उसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और बेटे इसी का सेकंड नेम है क्वांटिटी ऑफ मैटर, ठीक है भाई। और क्वांटिटी ऑफ मैटर होता है मोल, MOLE, और बेटे इसका सिंबल होगा MOF, ठीक है। ये अपने पास 7 बेसिक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी अपने पास कितने हैं, 7, ठीक है। मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और सेकेंड नेम इसके क्वांटिटी ऑफ मैटर। मास एस आई यूनिट किलोग्राम, सिंबल केजी, लेंथ मीटर,
m. Time, second, second. Temperature, Kelvin, K. Electric current, ampere, A. Luminous intensity, candela, CD. ये भी scientist का नाम है. Amount of substance, mol, mol. Clear? Note it down. और बेटे इनमें से ना इन सेवन में से अपने पास ये थ्री मोस्ट इंपोर्टेंट है. मास लेंथ टाइम इज द बेस ऑफ फिजिक्स. जो आपका फिजिक्स है ना उसका बेस है मास लेंथ और टाइम. यानी कि इन तीनों के हेल्प से आप कंप्लीट फिजिक्स को सोल्व कर सकते हैं. क्लियर? सो ये काफी इंपोर्टेंट है. आपने देखा था जो आपने सिस्टम ऑफ नीट बनाया, सिस्टम ऑफ नीट भी अपना इन पे काम कर रहा था, मास लेंथ और टाइम पे. एफपीएस, सीजीएस, एमकेएस सभी किस पे काम कर रहे थे? मास लेंथ और टाइम पे. क्लियर? तो बच्चे इसके बाद अब हम बात करते हैं टू सप्लीमेंट्री यूनिट्स की. सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी या सप्लीमेंट्री यूनिट्स, फिजिकल क्वांटिटी या आप कह सकते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स. ठीक है बेटे, ये जो सप्लीमेंट्री यूनिट्स है ना, एडेड बाय जर्नल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर 10 1971. ठीक है, इनको बाद में ऐड किया गया और ये नंबर में कितने हैं? 2. ठीक है, ये तो अब बाद में ऐड किए तो इसी वजह से इनको क्या नाम दिया गया? सप्लीमेंट्री. ठीक है, तो आप टेबल ड्रॉ कर सकते हैं यहां पे. ये देखो भाई, देखो भाई सीरियल नंबर, सप्लीमेंट यूनिट्स, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, उनके एस आई यूनिट्स और उनके सिंबल. उनके सिंबल ठीक है, यूनिट रख लेते हैं. अब देखिए नंबर वन और नंबर टू कोई आपके पास जो कि GCWM ने बाद में ऐड किए हैं. एक अपना होगा प्लेन एंगल, प्लेन एंगल. ठीक है बेटे, प्लेन एंगल, एंगल का ऐसा यूनिट क्या होता है? रेडियन. रेडियन सिंबल क्या होता है? आर ए डी. ठीक है, सेकेंड अपने पास था सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल. इसका ऐसा यूनिट था टी रेडियन. टी रेडियन एस आर. ठीक है, टी रेडियन का सिंबल क्या है? एस आर. बेटे ये जो प्लेन एंगल है ना, इसको आप हमेशा ऑब्जर्व करेंगे टू डायमेंशन में. ठीक है, और सॉलिड एंगल को आप हमेशा काउंट करेंगे थ्री डायमेंशन में. क्लियर? ये अपना 2D है और ये अपना 3D है. ठीक है, अगर आप कोई भी 2D स्ट्रक्चर, जैसे कि आप मान लीजिए इस टाइप से फॉर्मेशन कर रहे हैं, आप मान लीजिए कि आपके पास ये कोई एक सर्कल है. ठीक है, अब इस सर्कल का ये अपना क्या हो जाएगा? सेंटर. यहां पे आपने कोई भी दो पॉइंट अज्यूम किए, एक पॉइंट ए हो गया, एक पॉइंट ई हो गया, ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, दिस इज द सेंटर. तो बेटे ए और बी जो होगा ना, ए बी जो होगा ये इसका आर्क होगा और ये इनके क्या होंगे? ये दोनों होंगे रेडियस, ये होगा आर्क, लेंथ एल मान लेते हैं. तो यहां पे एंगल क्या सबटेंड करेगा? थीटा. तो यहां से ये जो एंगल आपको साफ नजर आ रहा है, ये कौन सा एंगल है? प्लेन एंगल. अगर इसी को आप 3D में बना लेंगे तो कौन सा एंगल बनाएगा? सॉलिड एंगल. क्लियर? ऐसा यूनिट इसका रेडियन, आर ए डी सिंबल होगा, सॉलिड एंगल का स्टे रेडियन और एस आर होगा. ठीक है,